जय श्री राम। और फिर क्या हाल चाल है आप सबका? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और बहुत खुश भी हूँ। होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया, क्योंकि मैं लेके आ गया हूँ ये छोटा सा स्विमिंग पूल। छोटा नहीं, बहुत बड़ा है ये, सबसे बड़ा साइज है। तो इसको हम लगाएंगे बाहर गैलरी में, यहाँ पर आराम से फिट। उस साइड धूप थोड़ी चली जाती है, मैं यहाँ वैसे इस साइड से लगा लेंगे आराम से, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। और करते हैं इंजॉय पूल पार्टी। मैंने तो उस तरह का कुछ पूल है, देख लो, 10 फीट वाला। ये है इसका पंप, ये देखो, यहीं पे करता है। मैं सोच रहा हूँ ऐसे लंबे लंबे में कर लूँ, वही सही रहेगा। ये वॉशिंग मशीन को इस साइड कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो भाई इसके तीन तीन वो हैं फुलाने वाले, इस साइड से फुलाते हैं जल्दी। ये हो गए, इस तरह से फुलाते हैं। ऑलमोस्ट नीचे का भर चुका है, और सामने देखो ये बच्चे कैसे देख रहे हैं, कितने खुश। और इसके ऊपर वाला भरते हैं, फिर रेडी हो जाए। तो इस फुलाने में तो हालत खराब होगी, मैं भी रेडी हो गया बिल्कुल, सैंड वगैरह पहन के। और टंकी में से पानी भरना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए ना। तो दिखाते हो कितना बड़ा लग रहा है ऊपर से, छत पे से। इस टंकी में से पाइप लगाया, नीचे देखो कितना बड़ा लग रहा है। यहाँ से हम डाई भी मार सकते हैं सीधा, इस पाइप के थ्रू पानी नीचे जाएगा। इस पानी देखो धीरे धीरे भर रहा है, टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा भरने में। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बेचारों को नहाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो वैसे एक पाइप से टाइम लग रहा था, मैंने दो दो पाइप लगा दिया। अब दो पाइप से पानी भर रहा है, तब भी एक एक का भी हाफ हुआ है। कितना पानी आएगा सोच के, ज़्यादा नहीं भरूंगा, आधा ही भरूंगा, ऐसे मैं ही तो नहाऊंगा। पानी भर चुका, मम्मी भी आ गई है हेल्प करवाने के लिए। अब पानी भर चुका, अब चलते हैं अंदर नहाने के लिए, मैं वेट नहीं हो रहा। और संयम भी जहाँ तक है आ रहा है जल्दी जल्दी, भगा भगा। मैंने संयम को वीडियो कॉल करके दिखा दिया, संयम भी आ रहा है। मौसम एक बार चेक करो कितना प्यारा हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया पूरा। हाँ अंदर देखो मम्मी ने क्या किया है, मम्मी ने चादर लगा दी, जब उस छत से सब देख रहे थे ना, मम्मी ने चादर से ढक दिया। अब चलते रहो, मम्मी आ गया। पानी पूरा फुल भर जाएगा, तमाम का मेरा बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आराम से बैठने में। अब गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा, वैसे मौसम तो सही हो गया। वैसे अगर पूरा मूवी लगे मैं तो लेट सकते देखो। ये बाबू भैया का क्या करेंगे यार, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। अरे इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, फिर भी बाल्टी में रस्सी बांध के नहाने बैठ जाएंगे। भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, अगर ये बचपन में मिल गया होता ना तो पूरे पूरे दिन यहीं पड़ा रहता। अकेले ही हूँ मैं, देखो इतने बड़े पूल, बड़े से पूल में आ जाओ अकेले। यही तो जीवन की सच्चाई है, अकेले आए थे अकेले चले जाएंगे। सुबह इस नहा ही रहा था, बारिश भी स्टार्ट हो गई और हवा बहुत तेज चल रही है, तो ठंड भी लग रही है। तो अब नहाना कैंसिल करते हैं, 1.5-2 घंटे से नहा रहे हैं और संयम नहीं आ रहा बारिश के चक्कर में। सब ये पानी जो निकलेगा ना, इतना ज़्यादा बगुंडा सा आ जाएगा ये पानी जब निकलेगा। नहाने में तो मज़ा आया, इस पानी को ऐसे निकालेंगे वो सोचते हैं, क्योंकि पानी निकलेगा मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर से, ठंड भी लग रही है। तो गाइस पूल से नहाने के बाद
स्कूल से नहा के आया, सीधा सो गया और अब जाके उठा हूँ। अब टाइम हो रहा है 7:30। मम्मी खाना बना रही है, खाना पीना खाते हैं, देखते हैं क्या बनना है खाने में। सुबह के खाने में तो है दाल चावल और सब्जी आलू की, तो खाना खाते हैं। मैंने अभी खाना खा लिया था और मैंने अभी बाइक देखी, बाइक पे मैं जो पीछे साइड ना स्टिकर लगा था मेरे यूट्यूब का, उसमें पता नहीं वो क्या चिड़ मस्ती है, उसको पूरे को खुरच दिया है। मतलब यूट्यूब का स्टिकर निकालने की कोशिश करी है, किसी बच्चे ने किया हो ठीक है, पता नहीं किसकी हरकत है ये, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर तो मैं बाइक ऊपर खड़ी करता हूँ घर में, मैं कल वो इंगेजमेंट में वो कर लिया था ना, वहीं पर बाइक बाहर खड़ी थी, बाकी सारे बंदे इंगेजमेंट में भेजे थे, उसी टाइम किसी ने किया होगा, दिखाता हूँ आप लोगों को क्या हरकत है। पूरे स्टिकर की ऐसी तैसी करती है, निकालने की कोशिश कर लिया किसी चीज़ से वो किया, चलो कोई नहीं, इस साइड का तो कुछ नहीं किया। क्या पता किसी बच्चे ने ही किया हो, अगर देख लेता तो बताता। तो खाना पीना खा लिया, अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड। होप आप सभी को आज पूल वाली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन सब्सक्राइब में चलाओ। गाइस पूल ले आया हूँ तो गर्मी आराम से कटेंगी, जब भी गर्मी लगेगी लगा के, लेकिन एक दिक्कत है उसमें ना पानी बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है, तो पानी भरने में टाइम ज़्यादा लगता है, उतना पानी फिर वेस्ट हो जाता है। वैसे मम्मी ने वो पानी जो मैंने नहाने के लिए वो बाल्टियों में रख लिया था पौधों को डालने के लिए, तो वेस्ट ना हो। बाकी वेस्ट ही समझ लो, इतना सारा पानी एक ही बार में खर्च होता है, तो सही है, कभी कभी तो नहाया करेंगे। तो बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको वीडियो, मिलता हूँ आप लोग।